चुके हैं और बस यहाँ पर गौरी आराम से बैठी हुई है। ये देखिए अभी आप और फ्रेंड्स मैंने बहुत कोशिश कर ली, गौरी अंदर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों उसकी ऐसी आदत हो गई है कि सुबह और दोपहर में ही मिल्किंग करवाती है, इसके बाद शाम को तो वो आकर बैठ जाती है। कितनी भी कोशिश करो तो अंदर नहीं आ रही है, ना ही सोम को दूध पिला रही है। तो मैंने कोशिश भी करी सोम को भी छोड़ा कि अगर सोम को देख कर ही अंदर आ जाए, लेकिन आप खुद देख सकते हैं सोम भी सामने खड़ा हुआ है, लेकिन गौरी टस से मस नहीं हो रही है, आने की कोशिश भी नहीं कर रही है। तो फिर मैंने कहा चलो अब रहने दो, इतनी कोशिश करने के बाद भी ये नहीं आ रही अंदर, तो अब देखती हूँ सुबह ही लगाऊंगी इसका दूध। वैसे तो मैंने सोचा इसको डरा कर, देखिए मैं इसको बाई पर भी दिखा रही हूँ, डरा भी रही हूँ कि ये अंदर आ जाए, लेकिन नहीं, वो अंदर नहीं आ रही बल्कि वो बाहर और जा रही है उसकी वजह से। तो इसीलिए आप खुद देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने बहुत कोशिश की, गौरी नहीं आ रही है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो सुबह ही इसका मिल्किंग करेंगे। मैं सोचे थोड़ा सा सोम को बना दूंगी और थोड़ा सा मैं लगा लूँगी, लेकिन नहीं आ रही, तब छोड़ दिया मैंने। और मैं तैयार हो गई, आप खुद देख सकते हैं, साड़ी वगैरह पहन ली, चोटी वगैरह करके तैयार हो गई हूँ, बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं और तिवारी जी भी आ गए हैं, सब लोग तैयार होने वाले हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि आज मेरी और तिवारी जी की है शादी की सालगिरह। तो आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए मुझे और तिवारी जी को। तो बस यहाँ पर देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ और बच्चे लोग भी तैयार हो गए हैं, तीनों बच्चे। तो बस हम लोग अब निकलने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी 8:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गए हैं, क्योंकि बेटी अभी आई है कॉलेज से इस वजह से। तो ये देखिए, और यहाँ पर बस तिवारी जी भरवा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल, और मैं जा रही हूँ एक बोतल लेके, जो खाली वाली होती है ना बोतल, तो उसमें भरवाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा इसमें भरवा के रख लेती हैं बाई चांस ख़त्म हो जाए स्कूटी में, वैसे तो है लेकिन अच्छा रहता है, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर मैं बोतल लेके गई थी, उसमें 50 रुपये का, ज़्यादा नहीं, बस 50 रुपये का ही पेट्रोल भरवाना था। तो इसीलिए वैसे भी ज़्यादा भीड़ है तो टाइम लग रहा है पेट्रोल भरवाने में, और स्कूटी में बेटी ने डलवाया नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही था जो बोतल में 50-100 रुपये का, तो वो हमने डाल दिया था। अब इसमें फिर से भरवा के रख लेंगे, तो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डाल लेंगे। तो बस यहाँ पर पेट्रोल भरवा लिया है मैंने, और तिवारी जी ने भी गाड़ी में भरवा लिया था। आज हम लोग बुलेट से नहीं गए हैं, गाड़ी से ही गए हैं, आपको देख सकते हैं बुलेट अंदर रखी हुई थी। तो बस चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं, रेस्टोरेंट हमारा कैंसिल हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं होटल, जो अभी हमारे यहाँ पर नई खुली हुई है ना बोई। तो बस फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं, तो ये 3rd फ्लोर पर है, तो 3rd फ्लोर पर लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो फिर हमने कहा चलो सीढ़ियों से ही चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए, और मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर से ज़रूर बताना। ये मैंने 1st बार पहनी हुई है, तिवारी जी ने ऑर्डर की थी। तो बस हम लोग आ गए हैं, और बस यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या खाने के लिए ऑर्डर करें,
एक दूसरे से पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने बोल दिया बच्चों से जो आपको खाना है वो मंगवा सकते हैं और फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं तो बच्चों को भी भूख लग रही है इस वजह से। तो यहाँ पर बेटी और बेटा देख रहा है कि क्या मंगवाना है और हम लोग भी देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाएंगे बस, क्योंकि वैसे भी मुझे तीखा वगैरह मना है खाने का, तो बस बच्चों का मन रखने के लिए हम लोग आ गए हैं वैसे तो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी थाली लगना शुरू हो गई है। बच्चों ने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, मिक्स वेज मटर पनीर और तंदूरी रोटी, सैलेड पैप और पापड़ वगैरह मंगाया और कुछ नहीं मंगाया है। और मीठे में हमने के यहाँ पर रसगुल्ला वगैरह मिल रहा था, तो गर्मी बहुत है तो इसलिए मीठा वगैरह कुछ नहीं मंगाया। बाहर ही जाकर आइसक्रीम या जो भी हम पियेंगे जूस वगैरह तो बाहर ही पियेंगे। यहाँ पर तो बस खाना ही खाएंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बार आए हुए हैं तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। तो बस यहाँ पर बच्चों की थोड़ी बहुत फोटो वगैरह ले रहे हैं हम लोग। और बस फोटो हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर पास में ही सेकंड वाले टेबल पर किसी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, पास में ही रहते हैं हम, हमारे मोहल्ले वाले हैं वो भी। तो बस अब हम लोगों का भी खाना आने वाला है, क्योंकि ऑर्डर दिए बहुत टाइम हो गया। तो ये देखिए खाना आ चुका है, तो फटाफट से मैं थाली परोस देती हूँ सभी के लिए, और खाना लगाने के बाद फटाफट से गर्मा गर्म हम खा लेते हैं खाना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए, फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वैसे सब्जी का कलर वगैरह तो दिख रहा है बहुत अच्छा, आप टेस्ट करके देखते हैं कैसी लगती है, क्योंकि तिवारी जी ने मना कर दिया था कि ज़्यादा तीखा नहीं बनाएं, लेकिन फिर भी कितनी कोशिश करो मिर्च मसाला तो डाल ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, फटाफट से मैं सबकी थाली लगा देती हूँ और फिर खाते हैं गर्मा गर्म खाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम लोगों की थाली लग चुकी है, आप खुद देख सकते हैं, और बस रोटियाँ रह गई थी थाली में लगाना, तो तिवारी जी ने रोटियाँ रख दी हैं सबकी थालियों में। और बस अब हम लोग शुरू करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है खाना, खाकर बताते हैं आप लोगों को कि सब्जी का टेस्ट कैसा था। तो फ्रेंड्स, मुझे सब्जी का टेस्ट खास कुछ पसंद नहीं आया, जिस तरीके से मुझे सब्जी पसंद है उस तरीके की सब्जी बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। दोनों सब्जी, मटर पनीर तो फिर भी ठीक थी, लेकिन मिक्स वेज बिल्कुल ठीक नहीं थी। और उसका जिस तरीके से मतलब प्राइस है 200 रुपये का ये मिक्स वेज था, तो उस तरीके से कोई ख़ास सब्जी नहीं थी, लेकिन मटर पनीर फिर भी ठीक थी। लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि हमें पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी इतने काफ़ी हम लोगों के लिए। तो बस फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग निकलने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी शॉप वगैरह ले रहे थे, शॉप रखी रहती है ना काउंटर पर, वो ही मैंने ली थोड़ी सी। और बस इसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पर हम लोगों ने लिए फ़ोटो, और फिर हम लोग आ गए हैं बाहर। अब हम लोग चलते हैं कुछ ठंडा पीने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्म खाना खाया है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी, तो बस इसीलिए फटाफट से चलते हैं हम गर्मा गर्म खाने के बाद ठंडा ठंडा कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। और फ्रेंड्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने कुछ नहीं पी, यहाँ पर मिलता है रबड़ी वाला बर्फ का गोला, तो पास में ही है, तो हमने कहा चलो यही खाते हैं। और फिर हमने वो खाने के बाद हम आ गए घर, और घर पर आकर हमने गौरी को फिर से कोशिश की बुलाने की, हमने कहा चलो सोम को पिला देते हैं, अगर दूध निकाले ही नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोम को पिला देते हैं। लेकिन गौरी बिल्कुल भी अंदर आने को कोशिश नहीं कर रही है, और मैं भी परेशान हुई, तिवारी जी भी परेशान हुई, तो फिर मैंने मना कर दिया।
मैंने कहा रहने दो, तो बस आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। और गौरी देख लीजिए इतनी दूर जाके खड़ी हो गई है डर की वजह से। तो सभी को राधे राधे, बाय।